سابق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء इसके बाद फरहान अजीम। हाजरीन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चे सारे के सारे बच्चे तैयार थे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। काटते छाटते लिस्ट को शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 32 नाम हमारे लिस्ट में हैं जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से चार नाम को काटने के बाद कैद में रखा गया है। तो ये दूसरा नाम है तरफ का, स्टेज पर फरहान अजीम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
इसके बाद रुस्तम नासिर। वालेकुम अस्सलाम, कैसा चला था? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। والسماء والطارق। وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب
बच्चियों में जो जिम्मेदार है हमारे जो मेहमान हमारी माएं और बहनें आ रही हैं उनको बैठाते रहे कुर्सियों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए बन्नी आहे टेका लगावा थी
अल्लाह अजीम बहुत फोकस है आज यहाँ पर किरत का सिलसिला खत्म होता है। वीडियो को शेयर कर दे भाई, मैं लोगों तक पहुँच सके। मैं हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वो गेट को छोड़कर वो अपनी नशीत संभाल ले, क्योंकि मसूरात भी आ रही है, उनको जगह चाहिए रास्ते के लिए। मेरी बड़ी बड़े दिल से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है आप लोगों से कि जो लोग खड़े हैं वो चेयर संभाल ले, और बच्चे अगर चेयर में बैठे हैं तो बड़ों के लिए वो जगह छोड़ दे। मैं नाथ के लिए ज़ियानास को दावत देता हूँ कि वो आए और नाथ पेश करें। दिहाली के लिए मैं आप तमाम सामीन को ये बता दूं कि चूंकि ये प्रोग्राम एनुअल फंक्शन यानी सालाना जलसा है, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए किया जाता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए तालियां भी बजेंगी और तालियों के साथ बाकी आगे जो कहने हैं वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। पैसों की बारिश हो, बारिश ना सही, कम से कम बूंदे तो पड़े स्टेज पर। ज़ियाना
आका और मैं हूँ गुलाम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िया के लिए 10 रुपए 1, 50 रुपए 1, 20 रुपए 1, 50 रुपए 1 और 20 रुपए 1 इनाम आया है। इसके बाद मैं ज़ारा शोएब को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपनी नात पेश करें। लिस्ट बहुत लंबी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद ज़ुहदा नजमुद्दीन तकरीर के लिए तैयार हैं। इसके बाद ज़ुहदा नजमुद्दीन स्टेज पर। अंजाम उसके हाथ में है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ में है आगाज करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। इसके बाद जुनैरा अशरफ तकरीर के लिए।
अब उतने ही थमा, ये थमा मौका, वो थमा, दे मौका दे, मौका दे। قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحاشی کے کاموں اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ یقیناً ہماری دین، ہمارا دین ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کا لوگ، اس عمارت کی بنیاد نماز پر ہے۔ نماز ایک ایسا مظہر ہے جس سے دین اسلام کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں حسان عبداللہ کو نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ ہماری چچی کی طرف سے تقریر کے لیے 200 روپے کا انعام آیا ہے زنیرہ اشرف کے لیے۔ میں ملنے والے سے درخواست کروں گا کہ جو انعام لکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ میں ایک دفعہ پھر معتبہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں وہاں کھڑے ہیں برائے کرم وہ نشست لے لیں تاکہ پروگرام بھلا معلوم دے۔ اور چونکہ عورتوں کے لیے بچیاں، اسکول کی بچیاں لگی ہوئی ہیں، وہ عورتوں کا نظم دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ان شاء اللہ ایک دن تم قاسم کی طرح لڑو گے۔ بہت خوب، حسان کے لیے میری طرف سے 10 روپے کا انعام آیا ہے اور مہتاب جان نے بھی 50 روپے انعام دیا ہے۔ میں جو اعلان کر رہا تھا وہ یہ کہ عورتوں میں بچیاں لگی ہوئی ہیں ان کا نظم دیکھنے کے لیے، اور مرد حضرات بچے اسکول کے لگے ہیں انتظام دیکھنے کے لیے۔ تو میری درخواست ہے کہ بجائے آپ لوگ انتظام دیکھنے کے ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں،
हमें अंदाजा है कि ये मदरसा हमारे अपने गांव का है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ मदरसा के इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ इस बात को आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। मेरी दरख्वास्त है बस आप लोग नशीद सवाल और प्रोग्राम को बखूबी अंजाम तक पहुँचाए। अगला नाम तकरीर के लिए अहमदुल्ला मुतालिम चहारो। प्रोग्राम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है ना? जुनैरा के अब्बू की तरफ से भी 50 रुपए का इनाम है। मेरा ख्याल है वो यहाँ पे थे नहीं, वरना वो पहले ही दे रहे थे। मेरी तरफ से इनको 10 रुपए का इनाम है। चूंकि तकरीर करना एक अलग फन है, नज़्म या क़िरात पेश करना तो जनरल आदमी कोई भी पेश कर सकता है, लेकिन तकरीर के लिए दिमाग उस जैन की जरूरत होती है। इसके बाद हमारी लिस्ट में जो नाम है वो आतिफ ज़करिया की टीम है, एक्शन कराना है मिल्ली। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ आए स्टेज पर और एक्शन कराना पेश करें। आतिफ ज़करिया अपनी टीम के साथ स्टेज पर आ जाएं। Thank you.
अपनी मिल्लत के हम नौजवान दोस्तों, बच्चों के लिए 50 रुपए एक आया है, 50 रुपए एक आया है और 50 रुपए मेरी जानिब से इन बच्चों का इनाम है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम अब्दुल वासे सल्लमहू, ये इस मकतब का सबसे छोटा और नन्हा सा बच्चा है। पिछले प्रोग्राम में कोई तकरीर करने वाला बच्चा नहीं था तो इससे इज्जत बचाई थी लड़कों की तकरीर करके। ऑन द स्पॉट कहा था कि आदिब भाई मैं तकरीर करूंगा, तो मैं इसकी हौसला अफजाई कर रहा हूं और मैं इसे दावत सुखन देता हूं कि वह स्टेज पर और तकरीर पेश करे। बहुत सारे इनामात आए हैं, मैं ऐलान करने से कासिर हूं, लेकिन इनामात इंशाल्लाह सारे बच्चों को दे दिया जाएगा। पैसों से बहुत बढ़कर मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं अब्दुल वासी साहब को अपनी तरफ से 10 रुपए का इनाम और हमारे वालिद मोहतरम की तरफ से इनको 20 रुपए का इनाम आया है और मुझे उम्मीद है कि वालिद साहब की तरफ से भी आया होगा। इनके वालिद साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। इनकी अम्मी की तरफ से 20 रुपए का इनाम है। इसके बाद चूंकि जमाना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, सामईन किराम, इस्लाम का ये मिजाज है, इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है। वाकई लचक हर जमाने में हर हालात में फायदा देती है और कहीं ना कहीं हम लोग इस मदरसे की इंतजामिया, इस मदरसे के गांव वालों ने उस लचक को मद्देनजर रखते हुए इस मकतब को मॉडर्नाइजेशन रिवाइवल की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के मद्देनजर मैं इंग्लिश में तकरीर करने के लिए मारूश वसीम को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें स्टेज पर। मारूश वसीम अब्दुल वासी साहब को कामन पैसा है, बहुत सारा पैसा है, गिनने में मुश्किल है, मैं उनके लिफाफे में डायरेक्ट डाल देता हूं। आ,
ladies and gentlemen, respected teachers and dear friends, assalamu alaikum and good morning. I stand before you today to talk about the invaluable connection between education and Islam. In Islam, seeking knowledge is highly encouraged and it is considered a lifelong journey. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. This emphasizes the importance of education in our faith. Education not only enriches our minds but also empowers us to contribute positively to society. Islam plays great importance on learning, whether it be about science or the attitudes of our religion. Education helps us become better individuals, fostering values of compassion, justice, and understanding. In the Quran, Allah says, "And it talks and the Quran are of them. This heal lives the divine gift of knowledge bestowed upon humanity. It is our duty as Muslims to embrace this gift and use it for the betterment of ourselves and others. In the modern world, education provides us with the tools to tackle the challenge of our time. By gaining knowledge, we can dispel and promote harmony. Islam teaches seek knowledge from the cradle to the grave, extracting the continuous pattern of learning. As a free student, let us remember that our education is a privilege. It is an opportunity to shape our future and contribute positively to our community. Let us approach our studies with dedication, remembering the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him. That was the knowledge is more sacred than the blood of the martyrs. In comparison, education and Islam go hand in hand, guiding us to seek knowledge, foster understanding, and contribute meaningfully to the world. Let us embrace the journey of learning and contribute meaningfully. And thank you. Assalamu alaikum. Without education there is no future. बहुत खूब बड़े ही अच्छे अंदाज से इन्होंने इंग्लिश में तकरीर पेश की. आपको अंदाजा होगा कि एक मकतब का बच्चा अगर इस तरह की इंग्लिश बोले, मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं हम मुकाबले के लिए खड़े हो सकते हैं सामने. इसके बाद अगली तकरीर के लिए जिक्रा आसिफ को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे. एक ऐलान कर दूँ कि बार बार इनामात के जो ऐलान होते हैं, मैं उस ऐलान को करने से कासिर हो लिया, चूँकि थोड़ा सा परेशानी हो रही लिखने और ऐलान करने में. इन हजरात को इनाम देना, पीछे अज़्ज़त साहब मौजूद हैं, उनको नोट करवा दें. और मैं अपने बच्चों और अपनी जो स्कूल की बच्चियां हैं जो औरतों में लगी हुई हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा बहुत से वो भी अपने काम को अंजाम दें. और बच्चों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे जो आने वाले मेहमान या आ रहे हैं या खड़े हैं, उनको जो ज़रूरत पेश है वो पूरी कर. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشرق مدرسين، میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لطف شائع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بیٹیاں. ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے ہی دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے. کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے مِلوں مشینوں تک، جس طرح پہ ہمارے قدم پڑے، ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. ہم سے ہی دنیا جنت ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، اگر آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں اسی نام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں. موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اگر آپ ان سے اور زیادہ خوش ہوں گے اسی نام میں کیا عطا کریں گے؟ جواب ملتا ہے، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ. اپنی تقریر کا آغاز عظیم ہستی سے کرنا چاہتی ہوں جسے عورت کہتے ہیں. ایک سے عالم انسان کی عالم بردار عورت، وہاں سے وجود انسان کی بنیاد عورت، راہ سے راہ نائی کائنات کا نشان عورت، عطا سے تمہارے مشیر کی پہچان عورت. اے عورت، جب تم دنیا میں آتی
बीबी तो माँ बाप के लिए दलील बन जाती हो, बीबी की सूरत में खुदा गायकी से जन्नती बन जाती हो, और जब माँ के आलम आन तक पहुँचती हो तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। अरे औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम ही मस्जिद की पहचान है, तुम ही हो जो मेरे दिन पर बीस से मर्द का मस्जिद में उसका मुकाम और उसका पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसका शाना बशाना चलती हो। अरे औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मस्जिद की पहचान है, 14 सदियां पहले मस्जिद इंसान ने तुम्हें संस्थागत जीने का हक दिया, तुम खलीजा की जैसी ताजी हो, जैनब की सूरत दीपारी हो, रुबैदा की जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मन की कैद में उठाती। ऐ औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मस्जिद की पहचान है, और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो, तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, तो आलिम बिगड़ती मुर्शिद भी हो, और सब तो यह है कि तुम हर जमाने के रगीजा भी हो। ऐ औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मस्जिद की पहचान है, तुम ही हो, तुम ही मादे मिल्लत, तुम ही मरियम, तुम ही ताहिर का, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद दुनिया से चली गई लेकिन इस अम्मदा मुश्किल में नहीं फूक गई। ऐ औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मस्जिद की पहचान है। मैं शेर से अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। जूदे जंग से तस्वीर कायनात में रंग है, जूदे जंग से तस्वीर कायनात में रंग है, इसी के साथ से है जिंदगानी सोजे दुरूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, कितने बेहतरीन अंदाज में ज़िब्रा आसिफ ने तकरीर पेश की। औरतों के ताल्लुक से, बच्चियों के ताल्लुक से, वजूदे जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे सन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दुरो। सामीने किराम, इस्लाम की पहली शहीद होने वाली, ये यूं कह ले इस्लाम का पहला शहीद हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, एक औरत, इस्लाम की सबसे बड़ी बिजनेसमैन एक औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर के इल्म का सरचश्मा उसको इशारत करने के लिए सबसे ज्यादा रिवायत जो हदीस की रिवायत है वो अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से है। सबसे बड़ी मुअल्लिम आलम इस्लाम की अम्मी आयशा। फिर आज आखिर हम किस बात की बात करते हैं कि एक औरत मुआशरे में इनकलाब नहीं ला सकती, एक औरत मुआशरे को बदल नहीं सकती। यकीनन बदल सकती है। मेरी माओ और बहनें, आप कौम की मेमार हैं, आप कौम को निखारेंगी, कौम में इनकलाब बर्पा करेंगी। मैं इसके बाद असरा तौकीर को हमद के लिए दावत देता हूं कि वह स्टेज पर और हमद पेश करें। या रब्बाना
شہر مکہ میں آتا ہوں اللہم ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اندازہ تھا اتنی کرسیاں ہم نے منگوائی تھی لیکن کرسیاں کم ہو گئی ہیں, کرسیاں آ رہی ہیں. میں اپنے بھائیوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دھیر بنا کر بیٹھی رہیں, کرسیاں آ رہی ہیں. اور جو لوگ یہاں وہاں بیٹھے مرد حضرات میں یہاں وہاں کھڑے ہیں, بیچ میں کرسیاں خالی ہیں, میں ان سے درخواست کروں گے وہ اپنی نشست لے لیں تاکہ یہ دیکھے کہ ہاں پورا فل ہے, ایک لائن میں سارے لوگ بیٹھے ہیں تاکہ پروگرام کی خوبصورتی اور بڑھ جائے. اس کے بعد میں نظم کے لیے حسان اور عثمان عبداللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ دونوں بھائی آئیں اور اپنی نظم پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پاکستان کے مجھے ادھر جلالی اور انور جلالی جو دونوں بھائی تھے ان کی یاد تازہ نے, چونکہ وہ پاکستان میں ہیں یہ ہندوستان میں ہیں, کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے یہ لوگ موازنہ کر رہے ہیں. بہرحال جتنی کم عمر اتنا ہی اچھا پرفارمنس. اس کے بعد عنایہ سیف اللہ. بچوں کے لیے آج صاحب کی طرف سے 20 روپے کا انعام آیا ہے.